श्री राम मंदिर पार्क जयपुर हाउस में रविवार शाम लगेगा संस्कार भारती आगरा पश्चिम प्रताप का दीपावली आनंद मेला। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल सहित कई गणमान्य हस्तियां करेंगी सहभागिता। संस्कार भारती आगरा पश्चिम प्रताप द्वारा 16 अक्टूबर रविवार को शाम 4 बजे से जयपुर हाउस स्थित श्री राम मंदिर पार्क में दीपावली आनंद मेला का भव्य आयोजन किया जाएगा। मेले में एक और देशभक्ति के साथ भारतीय संस्कृति के इंद्रधनुषी रंग बिखरेंगे, वहीं दूसरी ओर चाट पकौड़ी, स्वादिष्ट व्यंजनों, उपयोगी वस्तुओं के स्टॉल और झूले आकर्षण का केंद्र होंगे। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल सुपाड़ी वाली और महामंत्री ओम स्वरूप गर्ग ने संयुक्त रूप से पत्रकारों को बताया है कि 16 अक्टूबर को शाम 4 बजे से 7:30 बजे तक रंग भरो रामायण पर आधारित सामान्य ज्ञान, कलश सज्जा, थाल सज्जा, विविध वेश और शंख बचाओ प्रतियोगिताएं विभिन्न आयु वर्ग के छात्र छात्राएं और युवतियां अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। इसके बाद भव्य मंच पर संस्कार भारती कला साधिका समिति की महिलाओं व उनके पारिवारिक जनों और होली लाइट पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा सतरंगी भारत पर आधारित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भावपूर्ण प्रस्तुति दी जाएगी। ये संस्कारों से मिला हुआ मेला है जो हमारे भारतीय संस्कृति के ऊपर संस्कार भारतीय जो है ये मेला लगाती है और विगत कई सालों से लगा रही है। केवल कोरोना काल में ये नहीं लगाता 2 साल, उससे 10 सालों से लगा रही है और यहाँ के क्षेत्रवासी बड़े बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग करते हैं और भाग लेते हैं और क्षेत्रवासी इसका इंतजार भी करते हैं। स्टॉल में सभी हमारे संस्कारों से संबंधित जितनी भी हैं, वेशभूषा है या अलग अलग तरीके की खाने की भी स्टॉल रहेंगी, सभी तरह की स्टॉल हैं। बच्चों के लिए झूले भी हैं और पूरा जो है मनोरंजन का रहेगा। मेरा नाम विकास गुप्ता है और संस्कार भारती मेरा सहयोजक हूँ और इस बार भी संस्कार भारती का हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, इसके उद्देश्य से संस्कारों से भरा मेला लगाया जा रहा है श्रीराम पार्क में और ये सभी लोगों को यहाँ उत्साहित करने के लिए लगाया गया। आसपास के क्षेत्र की इसमें पहली बार महिलाएं और बच्चे इसमें आएंगे और आनंदपुर सब लोगों को इसमें मेले के लिए बुलाया गया है और इसमें एसपी सिंह बघेल जी और पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी और योगेंद्र उपाध्याय जी। और महिलाओं की क्या प्रतियोगिताएँ रखी गई हैं? रामायण पर आधारित प्रतियोगिता रखी गई है, थाल सजावट रखी गई है, कलश सज्जा प्रतियोगिता रखी गई है, विभिन्न प्रकार की विभिन्न वेशभूषा जो प्रतियोगिता वो रखी गई है जिससे एक शंख बजाओ प्रतियोगिता रखी गई है जिससे हम लोगों में एक उत्साहवर्धन हो। इसी तरह से हमारी संस्कृति का हमेशा ध्यान रखा जाए, इसलिए ये मेला लगाया जाए। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।